तो दुनिया भर में ऐसी कई सारी मूवीज हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में हिट होकर अच्छी खासी कमाई कर जाती है, लेकिन जब बात किसी एक मूवी से हटकर पूरी मूवी फ्रेंचाइजी की आती है तो उस मामले में मूवी फ्रेंचाइजी ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाती। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ज्यादातर मूवी फ्रेंचाइजी की एक दो मूवीज तो हिट हो जाती है लेकिन बाकी सारी बुरी तरह से पिट जाती है, यानी कि फ्लॉप हो जाती है, जिस वजह से किसी एक मूवी फ्रेंचाइजी को ग्रो करना आज की डेट में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बट इन सारी मूवी फ्रेंचाइजी से हटकर दुनिया में कुछ ऐसी मूवी फ्रेंचाइजीज भी हैं जिनकी लगभग सारी ही मूवीज अच्छी कमाई कर रही हैं, जिसकी वजह से उन सबकी अर्निंग्स बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम दुनिया की ऐसी टॉप 10 मूवी फ्रेंचाइजीज की बात करते हैं जिन्होंने अपनी मूवीज के दम पर सबसे ज्यादा कमाई की है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नया आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजीज के बारे में। नंबर 10, जुरैसिक पार्क। तो जुरैसिक पार्क दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजीज में से एक है जिसकी अब तक टोटल 6 मूवीज आ चुकी हैं। इस मूवी फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी साल 1993 से, और अगर बात करें इसकी लेटेस्ट मूवी की तो वो आई थी साल 2022 के अंदर। इस मूवी फ्रेंचाइजी के अंदर जो टोटल फिल्म्स आई हैं उनके नाम है जुरैसिक पार्क, जुरैसिक पार्क द लॉस्ट वर्ल्ड, जुरैसिक पार्क पार्ट 3, जुरैसिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम, फिर आई थी बैटल एट बिग रॉक जो कि बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म थी, इसीलिए इसे मूवी कंसिडर करना या ना करना ये आपके ऊपर है, और फिर आखिर में आई थी जुरैसिक वर्ल्ड डोमिनियन। और अपनी इन्हीं सारी मूवीज के दम पर जुरैसिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी ने अब तक $6 बिलियन की कमाई कर ली है। नंबर 9, एक्समैन। तो एक्समैन मूवी फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2000 से हुई थी जहां पर इसकी पहली मूवी रिलीज हुई थी और उसका नाम एक्समैन ही था। एक्समैन बेसिकली मार्वल यूनिवर्स के म्यूटेंट्स की टीम है और एक्समैन के म्यूटेंट्स मार्वल कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इस पूरी फ्रेंचाइजी के अंदर अब तक टोटल 13 मूवीज आ चुकी है जो की है साल 2000 के अंदर आने वाली एक्समैन, फिर एक्समैन अनटाइटल्ड, फिर एक्समैन यूनाइटेड, देन एक्समैन द लास्ट स्टैंड, फिर एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, फिर आई एक्समैन फर्स्ट क्लास, देन द वुल्वरीन, एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, डेडपूल, एक्समैन एपोकलिप्स, देन फिर आई लोगन, फिर डेडपूल 2, एक्समैन डार्क फिनिक्स और फिर आखिर में द न्यू म्यूटेंट्स। और इन सारी मूवीज ने मिलकर अब तक $6.08 बिलियन का कलेक्शन किया है जो कि जुरैसिक वर्ल्ड के टोटल कलेक्शन से थोड़ा ज्यादा है। नंबर 8, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। तो डीसी वाले कॉमिक्स के मामले में तो सबसे आगे हैं क्योंकि चाहे कॉमिक्स की बात करें या फिर एनिमेटेड सीरीज की, वहाँ पर इनका कोई मुकाबला नहीं है और ये दोनों चीजें डीसी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी देती हैं। लेकिन जैसे ही बात मूवीज की आती है वैसे ही उस मामले के अंदर डीसी थोड़ा पीछे रह जाता है, लेकिन हाँ तब भी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स दुनिया के सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजीज के अंदर नंबर 8 की पोजीशन पर आता है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स अब तक 15 से भी ज्यादा मूवीज निकाल चुका है जिन सारी मूवीज के नाम है मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वंडर वुमैन, जस्टिस लीग, जस्टिस लीग स्नाइडर कट, सुसाइड स्क्वाड, एक्वामैन, वंडर वुमैन 1984, द सुसाइड स्क्वाड, शज़ाम, ब्लैक एडम, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द फ्लैश और अभी हाल ही में आई ब्लू बीटल। हालांकि अभी कुछ टाइम से डीसी का टाइम अच्छा नहीं चल रहा जिस वजह से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की ब्लैक एडम, शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स, द फ्लैश और ब्लू बीटल जैसी मूवीज कुछ खास कमाई नहीं कर पाई, लेकिन तब भी डीसी की मैन ऑफ स्टील, वंडर वुमैन और जस्टिस लीग जैसी मूवीज ने डीसी को बहुत पैसे कमा के दिए हैं और इसीलिए अपनी इन सारी मूवीज के बदौलत डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स अब तक $6.68 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर चुका है। नंबर 7, बैटमैन। तो बैटमैन दुनिया के सबसे पॉपुलर सुपर हीरोज में से एक है क्योंकि इसकी गिनती स्पाइडरमैन और सुपरमैन जैसे हीरोज के साथ की जाती है। बैटमैन कॉमिक्स के टाइम से ही बहुत पॉपुलर है और इसीलिए पूरी डीसी कॉमिक्स के अंदर से सिर्फ बैटमैन के ऊपर ही सबसे ज्यादा मूवीज बनी है। बैटमैन की टोटल मूवीज की बात करें तो बैटमैन के ऊपर अब तक टोटल 17 मूवीज आ चुकी है जो की आना स्टार्ट हुई थी साल 1943 से, और 1943 में आने वाली पहली बैटमैन मूवी का नाम था द बैटमैन, और उस मूवी से लेकर अब तक यानी कि साल 1943 की द बैटमैन से लेकर साल 2022 की द बैटमैन तक इस पूरी फ्रेंचाइजी ने $6.84 बिलियन की कमाई की है। नंबर 6, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का अपना खुद का यूनिवर्स है जिसके अंदर अब तक कई सारे बड़े एक्टर्स दिख चुके हैं। इस मूवी फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी साल 2001 से जहां पर इसकी सबसे पहली मूवी आई थी द फास्ट एंड द फ्यूरियस, इसके बाद आई टू फास्ट टू फ्यूरियस, इसके बाद द टर्बोचार्ज्ड, फिर आई द फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट, फिर साल 2009 की फास्ट एंड फ्यूरियस, देन फास्ट 5, फिर फास्ट एंड फ्यूरियस 6, फिर फ्यूरियस 7, उसके बाद द फेट ऑफ द फ्यूरियस, फिर आई F9 और अभी आखिर में फास्ट X, और इन सारी मूवीज ने अब तक टोटल $7.33 बिलियन का कलेक्शन किया है।
नंबर 5 जेम्स बॉन्ड। तो जेम्स बॉन्ड की मूवी फ्रेंचाइजी काफी बड़ी है क्योंकि इसके अंदर टोटल 27 मूवीज हैं, जिनमें से 25 ऑफिशियल जेम्स बॉन्ड की मूवीज हैं और बाकी दो इससे कनेक्टेड मूवीज हैं, जिन्हें बेसिकली जेम्स बॉन्ड का हिस्सा माना जाता है। इस फ्रेंचाइजी की जो ऑफिशियल मूवीज हैं, कैसिनो रॉयल, डाई अनदर डे, गोल्ड फिंगर, क्वांटम ऑफ सोलस, द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, गोल्डन आई, स्पेक्टर, अ व्यू टू अ किल, स्काई फॉल, द स्पाई हू लव्ड मी, ऑक्टोपसी, टुमारो नेवर डाइज, नो टाइम टू डाई, लिव एंड लेट डाई, द मैन विद द गोल्डन गन, डॉक्टर नो, मूनरेकर, यू ओनली लिव ट्वाइस, फॉर योर आइज ओनली, ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस, लाइसेंस टू किल, थंडरबॉल, फ्रॉम रशिया विद लव, द लिविंग डेलाइट्स और आखिर में डायमंड्स आर फॉरएवर। और इन सारी मूवीज के साथ जेम्स बॉन्ड की पूरी मूवी फ्रेंचाइजी ने अब तक $7.84 बिलियन की कमाई कर ली है, जो कि इस लिस्ट में आने वाली एक्समैन, डीसी, फास्ट एंड फ्यूरियस और बैटमैन से भी ज्यादा है। नंबर 4 विजार्डिंग वर्ल्ड। तो विजार्डिंग वर्ल्ड यानी कि हैरी पॉटर, मैं जानता हूँ ज्यादातर लोग इसे हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं, लेकिन इस मूवी फ्रेंचाइजी का ऑफिशियल नेम विजार्डिंग वर्ल्ड है। ये मूवी फ्रेंचाइजी दुनिया की सबसे पॉपुलर मूवी फ्रेंचाइजीज में से एक है, जिसकी शुरुआत हुई थी साल 2001 से। इस मूवी फ्रेंचाइजी की मूवीज की बात करें तो इसकी सबसे पहली मूवी जो कि साल 2001 में आई थी, उसका नाम था हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, फिर आई हैरी पॉटर एंड द चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, देन हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, देन हैरी पॉटर एंड द गॉब्लेट ऑफ फायर, इसके बाद हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स, फिर आई हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस, देन हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस पार्ट 1 और पार्ट 2, और फिर आखिर में आई फैंटास्टिक बीस्ट। और अगर इन सारी मूवीज को जोड़ दिया जाए तो हैरी पॉटर फ्रेंचाइजी की अब तक 10 से भी ज्यादा मूवीज आ चुकी हैं, और इन सारी मूवीज ने अब तक $9.66 बिलियन का कलेक्शन किया है। नंबर 3 स्टार वॉर्स। तो विजार्डिंग वर्ल्ड के बाद नंबर आता है स्टार वॉर्स का, और अगर बात करें इन दोनों की मूवीज काउंट की तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि स्टार वॉर्स मूवी फ्रेंचाइजी की भी अब तक 12 मूवीज आई हैं, जिसकी सबसे पहली मूवी आई थी साल 1977 के अंदर। और अगर इस मूवी फ्रेंचाइजी की मूवीज की बात करें तो उनके नाम है स्टार वॉर्स द राइज ऑफ द स्काईवॉकर, सोलो अ स्टार वॉर्स स्टोरी, स्टार वॉर्स द लास्ट जेडी, रोग वन, स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स, स्टार वॉर्स रिवेंज ऑफ द सिथ, स्टार वॉर्स अटैक ऑन द क्लोन्स, स्टार वॉर्स द फैंटम मैनियक, स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ द जेडी, स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स, और फिर आखिर में स्टार वॉर्स अ न्यू होप। और अब अगर इन सारी मूवीज के कलेक्शन की बात करें तो स्टार वॉर्स की पूरी मूवी फ्रेंचाइजी ने अब तक $10.32 बिलियन की कमाई की है, जिस वजह से ये मूवी फ्रेंचाइजी दुनिया की नंबर 3 मूवी फ्रेंचाइजी है। नंबर 2 स्पाइडरमैन। तो हमारा प्यारा दुलारा स्पाइडरमैन पूरी दुनिया को पसंद आता है। स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, और सिर्फ मार्वल का ही नहीं बल्कि स्पाइडरमैन पूरी दुनिया का भी सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है, यहाँ तक कि बैटमैन और सुपरमैन से भी ज्यादा। और अगर स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की मूवीज की बात की जाए तो अगर हम इसकी मूवीज का कलेक्शन साल 2002 में आने वाली टॉबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 1 से स्टार्ट करें तो उस मूवी से लेकर अब तक स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी ने अब तक $10.51 बिलियन की कमाई की है, जिनमें शामिल है टॉबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन 2 और स्पाइडरमैन 3, एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन होमकमिंग, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, स्पाइडरमैन नो वे होम और स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स भी। और यही एक रीजन है जिस वजह से सोनी स्पाइडरमैन के राइट्स को मार्वल को कभी वापस नहीं करेगा, क्योंकि एज ऑफ कोर्स सोनी के लिए स्पाइडरमैन सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन हाँ, एक ऐसी मूवी फ्रेंचाइजी भी है जो कि ना सिर्फ नंबर 1 पर है बल्कि ये बाकी की सारी मूवी फ्रेंचाइजीज उसके आसपास भी नहीं है। लेकिन हम नंबर 1 की बात करें उससे पहले मैं कुछ और मूवी फ्रेंचाइजीज की बात करना चाहता हूँ, जो कि वो मूवी फ्रेंचाइजीज हैं जिनकी कमाई तो बहुत ज्यादा है बट फिर भी वो टॉप 10 की लिस्ट में नहीं आ पाई। और उन मूवी फ्रेंचाइजीज के नाम है अवतार, जिसने कमाए थे $5.24 बिलियन, देन ट्रांसफॉर्मर्स विद $5.29 बिलियन, और आखिर में मिडल अर्थ यानी कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली फ्रेंचाइजी जिसने कमाए थे $5.96 बिलियन। तो आइए अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली और सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मूवी फ्रेंचाइजी है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि एमसीयू की शुरुआत हुई थी साल 2008 से, जहां एमसीयू की पहली मूवी थी आयरन मैन। और साल 2008 की आयरन मैन से लेकर अभी साल 2023 तक एमसीयू 30 से भी ज्यादा मूवीज निकाल चुका है, जिनमें शामिल है आयरन मैन की 3 मूवीज, कैप्टन अमेरिका की 3 मूवीज, थॉर की 3 मूवीज, एंटमैन की 3 मूवीज, स्पाइडरमैन की 3 मूवीज, ब्लैक पैंथर की मूवीज, डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवीज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की मूवीज और तो और एवेंजर्स की भी 4 मूवीज, जो कि थी द एवेंजर्स, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और आखिर में एवेंजर्स एंड गेम। और इन सारी मूवीज ने मिलकर अब तक एमसीयू को $29.6 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई करके दी है, जो कि स्पाइडरमैन और स्टार वॉर्स के $10-10 बिलियन से बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों यही थी वीडियो दुनिया की 10 सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजीज के ऊपर। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, बाकी वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।